हाँ जी बच्चों, आज हम ले रहे हैं सेकंड क्लास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हमने आपको पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवा दिया था याद, अब आप थोड़ा इसके अंदर देखिए टर्म ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? इट इज द टाइम गैप बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इन टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर, अगर ऑपरेटिंग साइकिल ना गिवन हो तो 12 महीने का होता है। मैंने रॉ मेटल खरीदा, रॉ मेटल से वर्क इन प्रोग्रेस में शिफ्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में शिफ्ट किया, फिनिश गुड्स को मैंने सोल्ड किया, सोल्ड करके मेरे पास पैसा आया, तो ये पूरे टाइम गैप जो होता है वो इसके अंदर आता है। सामान खरीदने से लेकर बेचने और कैश रिसीव करने का कितना टाइम पीरियड लगता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं एसी बनाता हूँ, महीना दो महीना मेरी प्रोडक्शन में लगता है मान लो, फिर मैं उसको सोल्ड करता हूँ, 3 महीने बाद कैश आते हैं, तो लगभग 6 महीने का पीरियड लगता है ऐसे, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है। एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, सबमरीन बनाती हैं, तो ये थोड़ी होता है कि भैया उनको 2 महीने 4 महीने लगेंगे, तो ऐसी कंपनीज को 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल एक प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं, हजारों हजारों करोड़ का एक प्रोडक्ट होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल टर्म उनके लिए यूज हुई। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है मेरा सामान खरीदने बनाने बेचने और कैश के अंदर के बीच का जो पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज द टाइम गैप बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स टू सेल टू कैश। नॉन करंट लाइबिलिटीज, पहले हम बचपन में पढ़ते थे 1 साल के अंदर, भैया अब थोड़ी बात बढ़ गई है। Those liabilities which are not current liabilities. अब current liabilities क्या होती है? Which satisfy following 4, any of the 4. एक भी condition satisfied हो गई तो वो हमारी current है। पहला, which settle within operating cycle. Which settle within operating cycle. सर कैसे? मेरा operating cycle है 25 महीने का, मेरे को payment मिलती expected है 23 महीने में, current है। सर ये तो 12 से ज्यादा है। जी हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में जो पेमेंट मिलेगी वो हमारी करंट होगी। एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ्स, सिंपल है। लाइबिलिटी यूज फॉर ट्रेडिंग, कंपनी डज नॉट हैव राइट टू डेफर द लाइबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, सर गौर से सुनना। सुनिए सर, ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है जी। ये हमारा एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी टाइम इन मंथ्स। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 24 महीने का, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने का, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने का, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 6 महीने का, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 30 महीने का। मेरी पेमेंट करेक्ट हो रही है 23 महीने में, ये करंट लाइबिलिटीज है या नॉन करंट लाइबिलिटीज है? सर मेरे ऑपरेटिंग साइकिल से नीचे, एक मिनट, 11 महीने, 19 महीने, 13 महीने, 24 महीने। आप सबसे पहले देखो, जो भी 12 हो ना वो ऑपरेटिंग है, ये करंट है सर, सॉरी, जो भी 12 तक है वो सब क्या है? करंट। पहले तो ये करंट है, 24 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है 23 में, करंट, 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है 19 महीने में, नॉन करंट, 6 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है 13 महीने, 12 होता करंट दिखता, नॉन करंट, 30 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है 24 महीने में, करंट लाइबिलिटीज। तो हमने ये शिक्षा प्राप्त करी इस बार कि अगर कोई लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करनी है तो वो करंट होती है। हाँ जी बच्चों, अब हम इंटरनल बाइफरकेशन करते हैं। पहला हमने पढ़ा था, याद करो, श्याम सुंदर नहाने चले, एस शेयर होल्डर्स फंड। फिर हमने पढ़ा था सलमान रोटी वाला, सलमान रोटी वाला शेयर कैपिटल, उसके अंदर आता है ऑथराइज शेयर, जितने मैक्सिमम शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं, इशूड किए कितने, यहां आता है इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर ऑफ डैश डैश ईच माइनस कॉल्स इन एरियर, जो लोगों ने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट है। कई बार हम कोई इंस्टॉलमेंट मंगाते हैं शेयर होल्डर से, वो नहीं देते, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। शेयर फोरफिटेड अमाउंट, कभी कभी शेयर फोरफिटेड अमाउंट क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके शेयर फोरफिट कर देते हैं क्योंकि बार बार मंगाने पर वो पैसे नहीं देते, तो जो उनका पैसा फोरफिट किया उसे कहते हैं शेयर फोरफिट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल किसमें आता है, शेयर कैपिटल में। इशूड शेयर कैपिटल किसमें आता है, शेयर कैपिटल में। मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर का मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर फोरफिटेड का मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड। मेन हेडिंग तो चार ही है, कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई और द रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, सरप्लस, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये हमारा दो पॉइंट आते हैं इसके अंदर। तो अब आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। याद है नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या था, बटर डालो ऑन पराठा, बटर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या था इसमें, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होते हैं, टर्म लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट इन अवर सिलेबस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेबल अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो, 12 महीने से ज्यादा हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये छोटे छोटे नाम है जो आपको दिमाग में रखने हैं बच्चे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अब हम कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज। याद है इसमें क्या होता था, स्टॉप, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में क्या क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन पेबल ऑन डिमांड, उसमें था टर्म लोन। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है बच्चों, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। आपसे पूछा जाए क्रेडिटर किसमें आता है, मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत कुछ आता है, जरा गौर से सुनो। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मेरे 7 साल के डिबेंचर हैं सर, 5-6 साल तक तो वो क्या रहेंगे, नॉन करंट, लेकिन जिस साल पेमेंट करनी है उससे 1 साल पहले वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे करंट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मेरे डिबेंचर हैं 7 साल के, मेरे डिबेंचर हैं 7 साल के, 6 साल तक तो वो क्या रहेंगे, करंट, लेकिन लास्ट ईयर ऑटोमेटिक नॉन करंट रहेंगे 6-7 साल। लास्ट ईयर से ठीक 1 साल पहले उन्हें क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटीज विद अदर करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब सर ये भी बड़ी मजेदार बात है, मैंने किसी से लोन लिया January 1 को, इंटरेस्ट पे करूंगा December 31 को, बीच में आता है मार्च, मार्च में मैं लिखूंगा इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट कब करनी है, दिसंबर में, दिसंबर में क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू। तो जिस दिन पेमेंट करनी है उस दिन ड्यू माना जाता है, और जब बैलेंस शीट पर्पस से लिखना पड़ता है उसे accrued माना जाता है। तो 1 जनवरी को लोन लिया, March 31 को क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू, फिर इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू। आपके लिए मजेदार बात है, आपको तो अदर करंट लायबिलिटीज में लिखना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड लोगों ने क्लेम नहीं किया, कॉल्स इन एडवांस, लोगों ने एडवांस पैसा दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, GST पेबल। ज्यादातर देखो अदर करंट लायबिलिटीज में ही हेडिंग है मोस्टली। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। तो हम कर रहे हैं नॉन करंट असेट्स, फंड लो, फिक्स्ड असेट्स। पहले आता है टेंजिबल, टेंजिबल में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट।
इंटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, पता क्या होता है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट भी आते हैं, पेटेंट अंडर डेवलपमेंट, फिर आता है एन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, प्रॉपर्टीज में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डेफर्ड टैक्स असेट्स नॉट इन अवर सिलेबस, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, कैपिटल एडवांस, मैंने बिल्डिंग खरीदी एडवांस दे रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सर मैंने किसी से मकान ले रखा है, आपको पता है 600 रुपये पर किलोवाट बिजली वाले लेते हैं हमारे से, तो हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, उसका आपको कुछ परसेंट ब्याज भी मिलता है, चेक कर लेना कभी बिजली के बिल में, अदर नॉन करंट असेट्स, ये आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, अब हम करेंगे इसके बाद करंट असेट्स, अब आता है बच्चों करंट असेट्स, आईआईटी चलो, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों, शेयर्स में किसी में भी बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो उसे कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में ना दो चीज़ें इन्होंने अलग से ऐड करी हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स, वैसे इसमें पहले तो आता ही था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तो आपसे पूछा गया लूज टूल्स का मेन हेडिंग क्या है, करंट असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर्स बीआर माइनस प्रोविजन, माइनस प्रोविजन, डेटर्स में क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल में, डेटर्स बीआर माइनस प्रोविजन, आ गया ये सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया। अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्सेस। तो ये था हमारा असेट्स और लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में फुटनोट में दो चीजें और आती हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड दो साल से कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आ रहा है, हमारा प्रपोज किया है डिविडेंड, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट होगा तो देंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ, एजीएम मीटिंग होने के बाद फाइनल होगा, तो जब तक फाइनल नहीं होता तब तक ये क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, बीआर अंडर डिस्काउंट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर। मैंने आप पर बिल लिखा, बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया, पैसे देने किसने हैं, आपने, लेने किसने, बैंक ने, मेरी कोई लाइबिलिटी है नहीं, लेकिन अगर आप घटिया निकले, आपने बैंक को पैसे ना दिए तो बैंक मुझे पकड़ेगा, तो मेरी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, शायद देनी पड़े शायद ना देनी पड़े। क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट ट्रीटेड एज डेट, क्लेम अगेंस्ट द फर्म, मैंने आपको एक सामान सप्लाई किया, सामान निकल गया गलत, आपने मुझ पर कोर्ट केस कर दिया, मैंने उसको भी लाइबिलिटी नहीं माना, शायद दूंगा ना, पैसे तो तब दूंगा जब मैं कोर्ट केस हार जाऊंगा, मैंने लाइबिलिटी माना ही नहीं, मैं प्रूव कर दूंगा सामान घटिया था तुम्हारी तरफ से मेंटेनेंस में, मैंने सामान ठीक दिया, तुम्हारी मेंटेनेंस गलत है भाई, तो फर्म के अगेंस्ट कोर्ट केस किया हुआ किसी ने, लेकिन उसने अपनी लाइबिलिटी नहीं माना। कमिटमेंट में आता है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल और अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद बनाएंगे सेकंड थ्योरी है, थर्ड का वीडियो आपको बहुत जल्दी बना के देंगे। ओके बच्चों।